जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूँ जिस तरीके से अत्याचार निवारण कानून पर पुनर्विचार याचिका दायर करने का प्रयास किया जा रहा है, केंद्र की सरकार ने आश्वासन दिया है कि हम पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। मेरे बहुत सारे अधिवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट यहाँ पर बैठे हुए हैं। पुनर्विचार याचिका उन्हीं जजों के पास जाएगी जिन जजों ने यह जजमेंट दिया है। आपने देखा होगा दोस्तों, अभी पिछले दिनों टीचर्स के केस में, यूनिवर्सिटी के केस में यदि दो जजों ने जजमेंट दिया कि जो रोस्टर एससी एसटी का बनता है वो पूरी यूनिवर्सिटी का बनता था, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग भर्ती होते थे पूरी यूनिवर्सिटी में रोस्टर बनता था, तब ये अनुसूचित जाति जनजाति के लोग भर्ती होते थे। लेकिन यदि दोनों जजों ने एक जजमेंट अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ दिया कि जो रोस्टर बनेगा वो सब्जेक्ट के हिसाब से बनेगा, जिसके लिए अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की भर्ती नहीं हो पाएगी।